गुलबर्गा शहर के रूरल इलाके से आकाश रिदलान के लिए जनता दल सेकुलर से एमएलए टिकट की मांग की गई है। आकाश रिदलान जेडीएस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लेबर विंग वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और रूरल इलाके में लेबर्स और किसानों के लिए काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं। कल्याण कर्नाटका जेडीएस लेबर विंग इंचार्ज शिरा शाब्दी और जेडीएस माइनॉरिटी सेल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा के अलावा देगर जेडीएस लीडर्स की मौजूदगी में जेडीएस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट सैयद जफर हुसैन को लेटर सबमिट कर एमएलए टिकट की मांग की गई है। इस मौके पर सिराज शाब्दी और दीगर लोगों ने कहा, रूरल इलाके में शाहबाद और दीगर तालुकों की हालात बस से बदतर हुई है। चार बार कांग्रेस और अभी बीजेपी एमएलए रूरल इलाके में राज कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के राज में किसान और लेबर तबका बेहद परेशान है, इसलिए इस बार यूथ रेवोल्यूशन लाने की सोच लेकर आकाश रिदलान को आगे कर लेबर विंग एमएलए इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश कर रही है। जेडीएस कर्नाटका स्टेट लेबर विंग प्रेसिडेंट जी रामैया के आदेश पर आकाश रिदलान को एमएलए इलेक्शन के लिए तैयार किया गया है। मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। ग्रामीण के एस्पिरेंट कैंडिडेट रिकमेंड लेके सिराज शाब्दी साहब और मुस्ताक अली साहब, उन्होंने ग्रामीण एस्पिरेंट कैंडिडेट के लिए रिकमेंड किए हैं आकाश साहब को, तो उसके लिए हमने ज़रूर ऊपर कुमार स्वामी और सीएम इब्राहिम साहब को ये रिकमेंड लेटर पहुंचाएंगे। और पहुंचाने के बाद जो भी है, एक 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 कॉन्स्टिट्यूंसी में दो दो तीन तीन कैंडिडेट हैं, हमारा काम पहुंचाना है। अब आकाश साहब का काम करना है। आकाश साहब का अगर ये अगर सर्वे रिपोर्ट में फिट होने का काम तुम्हारे ऊपर है, तो आप जो भी काम करिए, हम आपके साथ में हैं। आप जैसा ग्रामीण बहुत बड़ा इलाका है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण एक ऐसा ये है टोटली शाहबाद से लेके कमलापुर, कमलापुर लेके पूरा उधर बॉर्डर तक है। तो उसके लिए आकाश साहब, आप अगर एस्पिरेंट कैंडिडेट आप कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी ये गुजारिश है कि आप अच्छा काम करके आप प्रोग्राम रखिए। आप जो भी है, जैसा भी है, आप सर्वे करके करने के सर का आप ऐसा कर लिए कर लिए वो सर्वे करने के बाद आकाश साहब कहाँ है ढूंढना आपको कि क्या काम करें ग्रामीण में, तो उसके लिए वो काम करने का आपके हाथ में है और हमारे हाथ में। आप जैसा काम करेंगे, हमारा काम है जो काम करने वाले को टिकट दे, बोल को हमारा सीएम इब्राहिम से देवगढ़ा साहब से गुजारिश करके कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, लेबर इंचार्ज कल्याण कर्नाटका रीजन एंड ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेबर विंग कलबुर्गी। आज ऑफिस पे आने का मकसद, यहाँ पर तमाम लेबर विंग आज मौजूद है, जनाब सैयद जफर हुसैन साहब सर जो डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट है गुलबर्गी के, उनसे हमारी मुलाकात हुई और वहाँ पर हम लोग लेबर विंग के तरफ से एक इनिशिएट लिए जिसमें हम हमारे लेबर विंग से जो डिस्ट्रिक्ट वर्किंग लेबर प्रेसिडेंट है आकाश रिदलान, उनको गुलबर्गा रूरल ग्रामीण से एस्पिरेंट हम लोग नॉमिनेट कर हम लोग एक रिक्वेस्ट लेटर दिए हैं जनाब जफर हुसैन साहब को और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेश माघोंकर साहब को, इसी उम्मीद से कि हम लोग गुलबर्गा रूरल में हम लोग ये बार लेबर विंग की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जिसका हमारा एक टैगलाइन है। हम लोग जो टैगलाइन बने हैं, ये टैगलाइन रहेगा हमारा, मजदूर क्रांतिकारी और किसान क्रांतिकारी। क्योंकि आज शाहबाद एक रूरल एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर लेबर तकबा बहुत है, और इधर से हम जाएंगे तो औराद, कमलापुर, यहाँ पर किसान तकबा बहुत ज़्यादा है। और ये जो मौजूदा हुकूमत बीजेपी और इससे पहले चार बार कांग्रेस MLA, ये लोग आके भी शाहबाद में कोई डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं आया। हालांकि ये कांग्रेस की हुकूमत में ही ये जितने भी इंडस्ट्रीज थे, एक वक्त था गुलबर्गे के लोग शाहबाद जाते थे नौकरी के लिए, मगर आज ये शाहबाद के लोग गुलबर्गा आ रहे, ये नाकामी है, ये फेलियर है कांग्रेस की तरफ से एज वेल एज बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बात शाहबाद के लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम लोग यूथ रेवोल्यूशन लाने के लिए ये एक मूवमेंट कर रहे, जिसमें हम लोगों को श्री जी रामैया सर जो स्टेट लेबर प्रेसिडेंट है,
उनके गाइडलाइंस के ऊपर और उनके सपोर्ट पे हम लोग ये इनिशिएट ले रहे हैं हम लोग ये, और बस यही ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले वक्त में एक यूथ रेवोल्यूशन, लेबर रेवोल्यूशन, फार्मर रेवोल्यूशन हम लोग को लाना है। और शाहबाद में ये बीजेपी और ये कांग्रेस जो ये करप्शन भरा कर जो डेवलपमेंट प्रोसेस को रोकी है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो, हेल्थ सेक्टर से हो, या फिर रेवेन्यू डेवलपमेंट से हो, रोजगारी से हो, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, और आकाश रिदलान को वहाँ से हम रिप्रेजेंट करना है। और ये बेशक ये खुशी की बात है कि शाहबाद लोगों शाहबाद के लिए, क्योंकि हमेशा शाहबाद में देखा जाए तो एक बुजुर्ग तखवा ठहरते आया से वहाँ पर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि शाहबाद में एक यूथ, एक 35 साल का एक यूथ वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा आप लोगों के क्षेत्र में। और शाहबाद के गुलबर्गा रूरल की आवाम से मेरी यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है कि आप लोग, हम लोग ग्राउंड पे अब यहाँ से हम शाहबाद में आने वाले हैं, ग्राउंड वर्क करने वाले हैं, आप लोग हमारे ग्राउंड को देखकर हमारे को एक्सेप्ट कीजिए। हम ये नहीं कर रहे कि भाई हमारा ग्राउंड अगर नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, ये चीज़ हम भी एक्सेप्ट नहीं करते। वी विल वर्क, हम लोग काम करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आकाश रिदलान, JDS लेबर विंग, JDS HG कुमार स्वामी सर, जनाब जफर हुसैन साहब, हम सब लोग आप लोगों के लिए काबिल है, और हम लोग ही है जो आपके लिए काम कर सकते हैं। तो इसी को कहते हुए मैं तमाम शाहबाद के लोगों को मैं मुबारकबाद भी देता हूं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी का, हमारे स्टेट लेबर प्रेसिडेंट जी रमैया सर का, स्टेट प्रेसिडेंट CM इब्राहिम सर का, और लास्ट बट नॉट लिस्ट जनाब HD कुमार स्वामी सर का, कि हमारे को ये एक मौका मिला जहां पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सक रहे।